हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब घर पर बहुत अच्छे से और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ सुमन माहेश्वरी फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, अभी तक हमने जो अभ्यास कार्य किए वो किस में किए? वर्कबुक में। मगर आज का ये अभ्यास कार्य ये हम बुक में करेंगे। सो किड्स, टेक आउट योर स्वर संसार बुक एंड ओपन पेज नंबर 5। और यहाँ पर भी सबसे ऊपर लिखेंगे दिनांक और कक्षा कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे वर्णों को मिलाकर शब्द बनाएं। आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के वर्ण दिए गए हैं, तो आपको इन वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना है और यहाँ पर लिखना है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शब्द बनेगा उसमें वर्ण है व, और इसमें हम मिलाएंगे दूसरा वर्ण न। तो क्या शब्द बन गया ये? व न वन, व न वन। तो इसे आप यहां पर लिखेंगे व न वन। चलिए अब अगला देखते हैं हम क्या शब्द बनता है। पहला वर्ण है न, दूसरा वर्ण ह और तीसरा वर्ण र। न ह र, क्या शब्द बना ये? न ह र नहर। तो इसे हम यहां पर लिखेंगे न ह र, न ह र नहर। अगला शब्द, इसमें पहला वर्ण है हमारा यस अ, दूसरा वर्ण है ज, तीसरा वर्ण ग और चौथा वर्ण र। तो क्या शब्द बनाइए? अ ज ग र। तो इसको मिलाकर बोलेंगे अजगर। क्या शब्द बनाइए? अजगर। तो आप यहां पर लिखेंगे इसको अ ज ग र, अजगर। क्या शब्द बनाइए? अजगर। ओके, चलिए अब हम अगला शब्द देखते हैं क्या बनता है। इसमें पहला वर्ण है घ और दूसरा वर्ण है र। अब दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? घ र घर, घ र घर। तो इसे यहां पर लिखेंगे घर। सबसे पहले लिखेंगे घ। क्या बनाएंगे सबसे पहले? घ, और घ के बाद में र। तो क्या शब्द बन गया ये? घ र घर। अगला शब्द देखते हैं। इसमें पहला वर्ण है क, फिर है ल और फिर है श। तो इसको मिलाकर पढ़ेंगे क ल श, कलश। क्या शब्द बनाइए? कलश। क ल श, कलश। क्या शब्द बनाया हमने? कलश। इसमें पहला वर्ण श, दूसरा वर्ण र, तीसरा वर्ण ब और चौथा वर्ण त। इन चारों वर्णों को जब हम मिलाएंगे तो क्या शब्द बनेगा? श र ब त, शरबत। क्या शब्द बनाइए? शरबत। श र ब त, शरबत। क्या शब्द बनाइए? शरबत। चलिए अब हम अगला देखते हैं। पहला वर्ण है इसमें ब और दूसरा वर्ण है स। दोनों वर्णों को मिलाएंगे तो क्या शब्द बनेगा? वेरी गुड बच्चों, बस। क्या बनाइए? बस। ब स बस, लाइक दिस। इसमें पहला वर्ण पढ़ेंगे इसको यस भ, फिर ग और फिर त। अब तीनों वर्णों को मिलाकर बोलेंगे
भगत, भगत। क्या शब्द बना ये? भगत। भ ग त, भगत। ये है क ट ह ल। अब चारों वर्णों को मिलाएंगे क्या बनेगा? क ट ह ल, कटहल। क्या शब्द बना ये? कटहल। क ट ह ल, कटहल। चलिए अब अगला देखते हैं हम क्या शब्द बना रहे हैं। पहला वर्ण ध और दूसरा वर्ण न, दोनों वर्णों को मिलाएंगे तो क्या बन गया ये? ध न धन। ध न धन, क्या शब्द बनाया हमने? धन। इसमें पहला वर्ण है म, फिर है ग और फिर है र, तीनों वर्णों को मिलाकर बोलेंगे म ग र। तो क्या शब्द बनाइए? मगर। म ग र, मगर। अब सबसे आखिरी शब्द देखते हैं हम क्या बनाएंगे। थ र म स, कितने वर्ण है बच्चों इसमें? चार वर्ण। अब इन चारों वर्णों को हम मिलाकर क्या शब्द बना रहे? थ र म स, थर्मस। क्या शब्द बनाइए? थर्मस। थ र म स, थर्मस। तो चलिए बच्चों अब हम इन शब्दों को फिर से दोहराते हैं। यस, व न वन, व न वन, न ह र नहर, अ ज ग र अजगर, घ र घर, क ल श कलश, श र ब त शरबत, ब स बस, भ ग त भगत, क ट ह ल कटहल, ध न धन, म ग र मगर, और थ र म स थर्मस। अब अगला प्रश्न है हमारा, चित्र देखकर रिक्त स्थान भरे। आप यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे चित्रों को देख रहे हैं और इन चित्रों के साथ में आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ वर्ण लिखे हुए हैं और रिक्त स्थान भी है। तो आपको इन चित्रों को पहले पहचानना है और इन रिक्त स्थानों को भरना है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला चित्र किसका है? ये टोकरी बनी हुई है और इसमें ये बहुत सारे क्या है? यस, फल। क्या है ये? फल। फ ल फल। तो फ यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है तो आपको इस रिक्त स्थान में क्या लिखना है? यस ल। क्या लिखेंगे? ल फ ल फल। क्या शब्द बन गया ये? फल। अब अगला चित्र, ये क्या है बच्चों? यस, ये है बस। क्या है ये? बस। ब स बस। ब यहाँ पर लिखा हुआ है और रिक्त स्थान में आप क्या लिखेंगे? यस स। ब स बस। अब अगला चित्र, इसमें ये घोड़े भी बने हुए हैं तो ये कौन सा चित्र है बच्चों? ये है रथ। क्या है ये? रथ। र थ रथ। र यहाँ पहले से लिखा हुआ है तो रिक्त स्थान में आपको दूसरा वर्ण लिखना है। क्या बोला हमने? यस थ, लाइक दिस।
तो क्या बन गया ये र थ रथ। अब अगला चित्र है, ये क्या है आंखें, लेकिन इसको हम बिना मात्रा वाला शब्द लिखना है, तो क्या बोलेंगे इसको हम नयन, क्या बोलेंगे इनको नयन, न य न नयन, न य य यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है और फिर न, तो हमें इस रिक्त स्थान में क्या लिखना है यस य लाइक दिस। तो अब इसको पढ़ते न य न नयन। अब अगला चित्र, ये क्या है बच्चों पैर, लेकिन हमें तो बिना मात्रा वाला शब्द लिखना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे चरण, क्या है ये चरण, च र और फिर क्या लिखेंगे यस ऋण, इस रिक्त स्थान में क्या आएगा ऋण लाइक दिस, क्या बन गया ये च र ऋण चरण। अब ये किसका चित्र है, ये आपको पता है अच्छे से यस मटर, म ट र मटर, तो सबसे पहले रिक्त स्थान दिया गया है तो इसमें हम क्या लिखेंगे यस म, तो ये क्या बन गया शब्द म ट र मटर। अब अगला चित्र देखते हैं, ये चित्र है किसका थर्मस का, क्या है ये थर्मस, अब आप इसको बोलकर देखेंगे थ र म स, थ र ये लिखा हुआ है पहले से थ र, अब क्या लिखेंगे हम म, यहाँ पर म नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर दिया गया है रिक्त स्थान, तो इस रिक्त स्थान में हम लिखेंगे म और फिर है स। अब इसको पढ़ते थ र म स थर्मस। अब अगला चित्र है, ये इसको क्या बोलते हैं हम दमकल, जो आग बुझाने के लिए जो गाड़ी आती है उसको हम क्या बोलते हैं दमकल, द म क ल, तो इसको पढ़ते हैं हम, हमारे पास में क्या है यहाँ पर द म क और क्या नहीं लिखा हुआ है यस ल, तो इस रिक्त स्थान में हम लिखेंगे ल लाइक दिस, तो क्या शब्द बन गया ये द म क ल दमकल। अब सबसे आखिरी चित्र ये किसका है बच्चों, इसको हम बोलते हैं तरकश, जिसमें ये बाण रखे जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं तरकश, त र क श, तो सबसे पहले हमने क्या वर्ण बोला यस त, तो यहाँ पर सबसे पहले रिक्त स्थान दिया गया है तो इसमें हम क्या लिखेंगे त, त र क श तरकश। तो चलिए बच्चों अब हम इन शब्दों को फिर से दोहराते हैं, फ ल फल, ब स बस, र थ रथ, न य न नयन, च र ण चरण, म ट र मटर, थ र म स थर्मस, द म क ल दमकल और त र क श तरकश। सो किड्स, आपको अपनी स्वर संसार बुक के पेज नंबर 5 पर इस अभ्यास कार्य को पूरा करना है लाइक दिस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।